हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड डॉक्टर धन सिंह रावत वर्सेस गोदियाल जो मामला चल रहा है वो काफ़ी अब ज़्यादा हद तक तूल पकड़ लिया है। जैसे कि आपको पता है डॉक्टर धन सिंह रावत ने जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उन पर जो है ये इल्ज़ाम लगाया था कि आई थिंक कुछ केदारनाथ धाम यात्रा से कोई सड़क का कुछ मैटर था, उस पर उन्होंने आरोप लगाया था। और जबकि उसके ठीक बाद जो है डॉक्टर धन सिंह रावत को उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि अगर मैं इस मामले में गलत हूँ तो मेरी जांच कराई जाए। आपने देखा होगा कि वो एक ज्ञापन जो है उन्होंने सीएम साहब को भी सौंपा कि वो हमारी भी जाँच करें और डॉक्टर धन सिंह रावत के। अब जो है इसमें जो नया मामला सामने निकल के आ रहा है वो मामला निकल के सामने आ रहा है सहकारिता मंत्री पर अनर्गल आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण। मामले में कूदे डीसीबी अध्यक्ष यानी कि जो है डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर जो है कूद गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो गणेश गोदियाल ने जो आरोप लगाए हैं डॉक्टर धन सिंह रावत पे, उनमें जो है कॉपरेटिव मिनिस्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जिस प्रकार वो बयानबाजी कर रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि अब वो अपनी जमीन खो रहे हैं, ये कहना है। आप देख सकते हैं ये जो ये जो अध्यक्ष हैं सहकारिता क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या काम किए, ये उनके जो है गुणगान गा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है कि सहकारिता के क्षेत्र में राज्य को एक नई पहचान दिलाने में डॉक्टर धन सिंह रावत का विशेष योगदान है। चाहे वो घसियारी योजना हो या फिर गरीब किसान को 0% ब्याज पर दिए जाने वाला तमाम तरह की हितकारी जो है योजनाएं सहकारी बैंक के माध्यम से संचालित की जा रही हैं जिनका लाभ राज्य के गरीब किसान और महिला उठा रहे हैं, ये कहना है ये जो अध्यक्ष हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के। तो इन्होंने तमाम तरह की जो है तारीफों के पुल बांधे हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। हालांकि उन्होंने एक भी कहा है कि कई युवाओं को रोजगार के साथ साथ एक मजबूत आर्थिक सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि कॉपर्टी मिनिस्टर डॉक्टर रावत की कार्यशैली को देखते हुए श्रीनगर विधानसभा में उनके प्रतिद्वंदी गणेश गोदियाल अब यह मानने लगे हैं कि श्रीनगर विधानसभा की सीट अब वो कभी नहीं जीतेंगे और इस कारण वो अनर्गल बयान दे रहे हैं, ऐसा ये जो है इनका कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। क्या यहाँ पर सहकारिता विभाग के अध्यक्ष को कूदना ज़रूरी था या नहीं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। अब यहाँ पर मैं अपने राय देता हूँ कि एक्चुअल में इनको यहाँ पर ये कूदना ज़रूरी था। मुझे लगता है कि ये मामला जब दो मिनिस्टर्स के बीच में था तो आई थिंक इनको यहाँ पर अपनी जो है चीज़ों को नहीं रखना चाहिए था। आपका जो काम है वो काम आप करें। सहकारिता विभाग में कितने बड़े घोटाले हुए हैं ये किसी से आज तक छुपा नहीं है, तो आपका जो पहला काम है वो आप करिए, राजनीति में आप ना घुसें। बाकी आप किस लिए उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं ये तो हम भी समझ रहे हैं, सारा उत्तराखंड जानता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।